नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया शर्मा हाजिर हूँ आज एक और नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा पर्व इस साल 24 जुलाई को है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रति वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन गुरु की पूजा का विशेष महत्व होता है। भारत में इस दिन को बहुत श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। धार्मिक शास्त्रों में भी गुरु के महत्व को बताया गया है। गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ही, गुरु के ज्ञान से ही हम भगवान तक पहुंचने का मार्ग जो है वो हमें मिलता है। गुरु ही हमें भगवान तक पहुँचने का मार्ग बताते हैं। गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु की कृपा से सब संभव हो जाता है। गुरु व्यक्ति को किसी भी विपरीत स्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का जो दिन है, ये दिन महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्होंने महाभारत जैसे जो ग्रंथ है उसकी रचना की। वेद व्यास संस्कृत के महान ज्ञाता थे। सभी 18 पुराणों के रचयिता भी महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय अगर आप करेंगे तो इनसे आप बहुत से क्षेत्रों में, अपने जीवन में बहुत से बदलाव ला सकते हैं, उन्नति पा सकते हैं। तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करके आप तैयार होकर मंदिर जाइएगा, अपने भगवान की पूजा आराधना करिएगा स्वस्थ। उसके बाद आपने जो है अपने गुरु की प्रतिमा या जिससे भी आपने अपने गुरु मंत्र लिया है उनकी पूजा आराधना करें। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें पीले वस्त्र जो हैं वो भेंट करें। अपने गुरु से प्रार्थना करें कि वे सदैव आपकी अज्ञानता और अहंकार को दूर करें, आपको हर क्षेत्र में जो है वो उन्नति प्राप्त हो। जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं हो रहा है और आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है, ऐसे जातकों को गुरु पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद लोगों को पीला अनाज दान करना चाहिए। पीली दाल जो है वो चने की दाल दान कीजिए। पीली मिठाई प्रसाद के रूप में बांटिए। बेसन का लड्डू का प्रसाद जो है वो आप जरूरतमंद को बांटें, जिससे आपका जो भाग्य है वो बहुत जल्दी ही उदय होगा। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कत आती है या जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको इस दिन यानी गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। और गाय को जो है इस दिन एक आटे का पेड़ा या फिर एक रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। इस उपाय से आपके जो बच्चे का ध्यान जो पढ़ाई में नहीं लग रहा है वो भी उसका ध्यान जो है पढ़ाई में लगने लगेगा। इसके अलावा आप जो है इस दिन ज्ञान और भाग्य वृद्धि के लिए कुछ मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे ओम गुरुम गुरवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ऐसे आप जो है सुबह नहा धोकर इन दोनों मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और आपके भाग्य भी जल्दी उदय होने लगेगा। जय महादेव।